खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नगर पंचायत सादात में राधा कृष्ण मंदिर के पास यूनियन बैंक और एटीएम के पास रोड के उस पार वार्ड नंबर एक की घनी आबादी में बस स्टैंड के पास ई देसी शराब की दुकान खुलते ही सैकड़ों की संख्या में महिलाओं पुरुषों ने जमकर विरोध किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर बवाल होने से बचाया। सूचना पाते ही आबकारी इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे और दुकान को बंद करवाया। वहां के लोगों ने बताया कि किसी भी शर्त पर दुकान नहीं खुलेगा, अगर खुलता है तो हम लोग झाड़ू बेलन डंडे से दुकान पर बैठकर रोड जाम करते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत कर हटा कर ही दम लेंगे। गाजीपुर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। दुकान तो नहीं चलेगी सर, आप आए हैं पूरे बस्ती को यहाँ ऑब्जेक्शन, ऐसी बात नहीं, एक ही लोगों का ऑब्जेक्शन, सभी लोगों का। जितना मेरा और सौर साहब आगे आज वाला ये वाला एक बार का है, दूसरे दुकान का एक और था सर। अगर सर ये एरिया नहीं रहती बस स्टैंड की तो बाजार की दुकान रेलवे स्टेशन पर आज क्यों चलती है? ये नई दुकान नहीं है, बहुत पुरानी दुकान है, आज क्यों चलती जी? अलग अलग वार्ड ये सही के साथ है, एक है के साथ है, अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।